आपके साथ रिशु चौधरी। आइए नजर डालते हैं फटाफट खबरों पर। पंजाब पुलिस ने शंभू बॉर्डर से आगे चेक पॉइंट पर अतिरिक्त फोर्स किया तैनात। युवा किसान नहीं प्रदर्शन में आगे रहेंगे बड़े किसान नेता, सरवन सिंह पंढेर का बयान। दिल्ली में यमुना नदी में डूबे 10वीं के 4 छात्र, 3 लाशें हुई बरामद। मशहूर रेडियो प्रस्तोता अमीन सयानी का हार्ट अटैक से निधन, मुंबई में ली आखिरी सांस। दिल्ली पहुंचे ग्रीस के पीएम किरियाकोस मित्सोटाकिस। बीजेपी राज्यसभा प्रत्याशी संजय सेठ के बेटे बहू से लूट की कोशिश, शादी समारोह से लौट रहा था परिवार। पाकिस्तान में पीपीपी और पीएमएलएन ने गठबंधन सरकार बनाने के लिए बातचीत शुरू की, पार्टी नेता का दावा। बिहार के लखीसराय में भीषण सड़क हादसा, 8 लोगों की हुई मौत। भारतीय किसान यूनियन निकालेगी पैदल मार्च ग्रेनों में, यातायात ड्राइवर ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। हमास ने गाजा में इजराइल बंधकों को दवाएं पहुंचाना किया शुरू, कतर के विदेश मंत्रालय का दावा। अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जी24।